जैसलमेर का रेगिस्तान, देश की सबसे सूखी जमीन, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तेज रेतीली हवाएं और उसके बीचों बीच एक ऐसी बिल्डिंग जहां तपती गर्मी के बावजूद एसी नहीं है, या कहें यहां एसी की जरूरत ही नहीं है। राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल, रूरल थार डेजर्ट में बनी एक ऐसी सस्टेनेबल डिजाइन की बिल्डिंग विच इज अ फाइन कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप एंड वेस्टर्न माइंड्स, जहां फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ करीब 32% है। वहां ये स्कूल बनाया गया है टू एजुकेट एंड एम्पावर मोर देन 400 अंडर प्रिविलेज गर्ल्स। जो लड़कियां यहां पढ़ेंगी उनमें से बहुत सी उन कारीगरों की बेटियां भी हैं जिन्होंने इस स्कूल को बनाया है। नाउ देयर आर वेरियस वेज दिस बिल्डिंग रिमेन्स स्कूल्स इन अ डेजर्ट विदाउट एन एसी। इसका ये यूनिक ओवल डिजाइन इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, बेसिकली ओवल शेप होने से यहाँ मैक्सिमम एयर फ्लो रहता है, सनलाइट भी फिल्टर हो जाती है और इतनी सारी विंडोज में से जब एयर फ्लो करती है तो इट नेचुरली कूल्स इट डाउन। पूरी बिल्डिंग का डिजाइन एक कूलिंग पैनल का काम करता है। ट्रेडिशनल राजस्थानी जाली ऑल्सो फिल्टर्स द सैंड। अपार्ट फ्रॉम इट्स ओवल डिजाइन, द हाइट ऑफ द सीलिंग हैज बीन केप्ट प्रीटी हाई। साइंटिफिकली सीलिंग की हाइट जितनी ज्यादा होगी उतना आपका रूम ठंडा रहेगा। फिर सीलिंग के नीचे लाइम प्लास्टर किया गया है और ऊपर सिरेमिक की टाइल्स के टुकड़े पूरी छत पर लगाए गए हैं ताकि जो ऊपर की गर्मी है वो नीचे तक ना जाए। और ये येलो सैंडस्टोन, पूरी बिल्डिंग इसी पत्थर से बनी है। ये यहीं जैसलमेर में ही पाया जाता है। इनफैक्ट ये जैसलमेर की पहचान है। येलो सैंडस्टोन को इसके सुनहरे रंग की वजह से गोल्डन सैंडस्टोन भी कहते हैं। दिन में इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम हीट और रेगिस्तान की ठंडी रात में इट गिव्स वार्मथ, मतलब परफेक्ट लोकल बिल्डिंग मटेरियल। और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है तो इस बिल्डिंग को बनाने में कार्बन एमिशन हैज आल्सो बीन मिनिमम। इस बिल्डिंग को सस्टेनेबल बनाने में एक और बड़ा हाथ है छत पर लगे इन सोलर पैनल्स का, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फॉर दिस बिल्डिंग। बट ये सोलर पैनल सिर्फ बिजली के लिए ही नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द सनलाइट एंड आल्सो प्रोवाइड शेड टू द किड्स ऑन द टेरेस। करीब एक साल में तैयार हुए स्कूल में इंडियन कारीगरी और वेस्टर्न प्लानिंग का एक अनूठा मिलाप हुआ है। लोकल मटेरियल और पुरानी लोकल टेक्निक्स के साथ साथ न्यू एज सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का भी यूज किया गया है। द ड्रीम फॉर दिस सस्टेनेबल बिल्डिंग इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वाज सीन सम 10 इयर्स अगो। अमेरिकन आर्टिस्ट माइकल डॉप और न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्ट डायना केलॉग की दिमागी उपज है ये यूनिक ओवल शेप डिजाइन की बिल्डिंग। एंड नाउ इट्स कम्प्लीट। किसने सोचा होगा कि भरे रेगिस्तान के बीच एक ऐसा सूरज उगेगा जिसकी रोशनी आने वाले कल को बदलेगी। एक आर्टिस्ट की सोच, लोकल शिल्पकारों की मेहनत, न्यूयॉर्क की आर्किटेक्ट का डिजाइन, व्हाट एन इंस्पायरिंग आर्किटेक्चुरल मार्वल, राइट? आज जब क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, टेम्परेचर्स आर राइजिंग, वी डेफिनेटली नीड मोर सच कोलैबोरेशंस एंड बिल्डिंग आइडियाज। व्हाट डू यू थिंक? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो एंड कीप फॉलोइंग इंडिया टाइम्स फॉर मोर सच इंस्पायरिंग स्टोरीज।